अस्सलामुअलैकुम। आज हम शेरवानी का कटिंग दिखाने जा रहे हैं। देखिए शेरवानी कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना है। देखिए ये डिज़ाइन शेरवानी बनाना है और इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। इसमें चेंज करेंगे क्या, इसमें पाइपिंग रहेगा साइड से, यहाँ पे पाइपिंग जाएगी और उसके बाद ये एक सीधा स्ट्रेट पट्टी मारेंगे, जिससे ये कपड़े का पट्टी मारेंगे। ये मेन पल्ला हुआ, ये कपड़े का पट्टी मारेंगे और पाइपिंग थोड़ा अलग कपड़े का डालेंगे। हम इसको कटिंग करते हैं, इसको कटिंग कैसे करते हैं वो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको दो पल्ला फोल्ड करके हम इस तरह बैठा लिए हैं और इसमें यहाँ पे इतना जगह खाली कर लिए हैं कि यहाँ पे डिजाइन मारने के लिए। तो हम ये कपड़ा डिजाइन कर रहे हैं, चाहे तो अभी भी कट कर सकते हैं, बाद में भी कट कर सकते हैं। ऐसे बैठाने के बाद इसको हम इस तरफ रख लेंगे, फिर इसके बाद मार्किंग लगाएंगे सीधा। एक मार्किंग यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे, जो शोल्डर डाउन रहेगी उसका मार्क लगाएंगे। उसके बाद वेस्ट का मार्क लगाएंगे 17 इंच पे। उसके बाद सारे 24 इंच पे मार्क लगाएंगे हिप का, नीचे 45 इंच। तो यहाँ पे जगह कम है, इसके वजह से नहीं दिखेगी। पहले हम इतना कट कर लेंगे, फिर उसके बाद नीचे कट करेंगे। एक सीधा एक मार्क लगाएंगे यहाँ। इसका 35 इंच चेस्ट है और 32 इंच वेस्ट है, 36 इंच हिप है। हम इसको पूरा फुल फिटिंग शेरवानी कटिंग करेंगे, जैसा ये पैटर्न आपको दिखाया है ये पूरा फुल फिटिंग है। इस तरह हम पूरा फुल फिटिंग कटिंग करेंगे और इसमें बटन अंदर से बटन रहेगी, हाँ शायद अंदर से बटन है। तो 35 का चौथा हिस्सा 9.25 इंच आती है, 9.25 इंच आता है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, ये 9.25 इंच हो गया, इसमें हम 1 इंच ऊपर ले लेंगे। तो ये हमारा आर्मोल का मार्क हो गया, ये हमारा वेस्ट का मार्क हो गया। अब यहाँ से हम सारे 3 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ पे 1.25 इंच है ना, ये कॉलर के पास बटन से ढक जाएगी, यानी इतना दबाव में जाएगी। 15 इंच कॉलर है तो पीछे 7 इंच गला रहेगी, आगे इसका मतलब 8 इंच ही देना है, 8 इंच ही यहाँ आ जाएगी। ये 1.25 इंच हम यहाँ पे बात किए हैं, अभी यहाँ से हम मार्क लगाएंगे शोल्डर का, 17 इंच शोल्डर है तो 8.5 इंच मार्क लगाएंगे, 0.5 इंच बढ़ के लगाएंगे। चेस्ट है 35 इंच, 35 का
पौने नौ और इसमें यहाँ पे आधा इंच देंगे, यानी यहाँ पे आधा इंच ज़्यादा लगाएंगे। और ये 32 इंच बेस्ट है तो यहाँ पे चौथा हिस्सा 8 इंच लगाए, यहाँ पे आधा इंच, यानी ये 5 इंच लूजिंग में आ जाएगी, बंदे का फिटिंग हो जाएगी। 36 इंच हिप है तो उसका चौथा हिस्सा 9 इंच आएगी, आधा इंच इसमें लूजिंग रखेंगे। ऊपर से 8.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, 6.5 इंच पैकेट का मार्क लगाएंगे। ये जो शेरवानी है, इस शेरवानी पूरा डिटेल में सही से बताऊंगा। इससे पहले मैं शेरवानी का बताया था, वो नॉर्मल बताया था, बिना स्ट्रिप का बताया था। माफ़ कीजिएगा, किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया आगे का वीडियो, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ तक ये मार्क लगा के दिखाया था, ये आर्मोल का मार्क लगाने से पहले वीडियो कट गई थी। तो हम यहाँ से जो मार्क लगाए थे कि आर्मोल का ये शोल्डर का, और यहाँ से ये चेस्ट का जो मार्क है, चेस्ट का मार्क से 1.25 इंच अंदर लेके हम यहाँ इसको मार्क लगा के इसको गोलाई किए, यहाँ से इसको गोलाई किए और यहाँ पे डाउन किए, फिर यहाँ से इसको उठा दिए, यानी थोड़ा सा 1.25 इंच ऊपर उठ जाएगी। फिर उसके बाद है हम यहाँ से 3 इंच, ये 3 इंच दिए हैं इसका गोलाई, यानी टोटल 3.5 इंच है। ये देखिए 3.5 इंच है, यहाँ से कॉलर लग जाएगी। और ये जो यहाँ से जो गोलाई दिए हैं, गोलाई पर से ये पॉइंट को दिए हैं, ये जो हम आर्मोल का गोलाई देते हैं ये पॉइंट के दिए हैं, और यहाँ पे हम इसको 4.25 इंच दिए बटन के लिए, और यहाँ से हम इसको क्रॉस कर दिए, इस तरह क्रॉस कर दिए, यहाँ से क्रॉस कर दिए। फिर इसके बाद ये स्केल से है ना, ये हिप का जो है मार्क, यहाँ पे मुश्किल से 1.25 इंच दिए, और यहाँ से ऐसे सेफ स्केल से मार्क लगा दिए हैं। तो मुझे ध्यान नहीं था और वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो गए थे, इसके वजह से पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और यहाँ से हम वॉलेट पैकेट का मार्क लगा दिए, वॉलेट पैकेट ये रहेगी, और ऊपर से ये ऊपर छोटा सा फूल आएगी, या ब्लू कलर या लाल कलर का फूल आएगी। तो ये हमारा शेरवानी का फ्रंट तैयार हो गया, ये पल्ला पलट के कुछ ऐसे तैयारी आएगी, यहाँ पे बटन रह जाएगी, यहाँ पे बटन होगी, यहाँ पे बटन, यहाँ तक बटन रहेगी। अब चाहे तो आप ये साइड में चाक भी दे सकते हैं, न भी दे सकते हैं।